हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आपकी रिक्वेस्ट पे ले आई हूँ मैं डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए फ़ोल्डर। तो इसमें आप चेकबुक, पासबुक, पासपोर्ट, कीज़, कॉइन्स कुछ भी रख सकते हैं। काफ़ी अच्छे स्पेस बहुत सारी पॉकेट्स के साथ बनाया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसमें कितनी सारी पॉकेट्स हैं और कितना स्पेस है। तो घर में पड़ी चीज़ों से बनाया है, सिर्फ आपको एक ज़िप की ज़रूरत है। तो दो बड़ी पॉकेट्स हमने इसके बाहर की तरफ बनाई हैं और अंदर की तरफ भी बहुत सारी पॉकेट्स बनाई हैं। ज़िपर पॉकेट भी है, सिंपल पॉकेट्स भी है। तो टोटल 6 पॉकेट अंदर की तरफ हैं और 2 पॉकेट्स हमारी बाहर की तरफ हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छी डीप पॉकेट है, तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें ईजिली आ जाएंगे। देखिए, उसके बाद एक और पॉकेट है और उसके बाद इस तरफ भी 2 पॉकेट्स हैं। तो चेकबुक, पासबुक, जो भी आप रखना चाहते हैं सामान, कोई भी डॉक्यूमेंट रखना चाहते हैं, बहुत ईजिली देखिए इस तरीके से आ जाएंगे। उसके बाद एक छोटी पॉकेट है, यहाँ पे कीज़ वगैरह कुछ भी आप रखना चाहें, कोई भी छोटा मोटा आइटम जो आप रखना चाहते हैं वो इस छोटी सी पॉकेट्स में रख सकते हैं। तो 2 ज़िपर पॉकेट आ गई, अंदर काफ़ी सारी पॉकेट्स आ गई और यहाँ से ये बंद हो गया। और 2 पॉकेट्स हमारी इसकी बाहर की तरफ भी हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी वाइड पॉकेट है, इसमें भी आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। देखिए, तो बहुत ही ईजी है इसे बनाना। तो चलिए बिना डिले के हम इसे बनाना सीखते हैं। तो ये मैंने लिए हैं कपड़े के 2 पीसेस, मेज़रमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले लेंगे हम ये प्रिंट वाला पीस और इस पे लगाएंगे हम राइस बैग और इस पे हम सिलाई कर लेंगे। आप चाहें तो प्लास्टिक वाली सीमेंट वाली बोरी भी ले सकते हैं। 11 इंच की 2 पीसेस मैंने ज़िप ली है और ज़िप को फिनिश करने के लिए हम लेंगे 2 छोटे कपड़ों के पीसेस। तो 3x2 इंच के 2 पीसेस लिए हैं, इसे रखना है आपको, फ़ोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए साइड पे सिलाई लगा लेनी है। बेसिकली हमें ज़िप को साइड से फिनिश करना है इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए। ये देखिए, सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ, सारी ज़िप को हम फिनिश कर लेंगे। तो ज़िप हमारी फिनिश हो चुकी है, अब हम इसे अटैच करेंगे अपने इस पीस के साथ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 2 इंच पे निशान लगाना है और 2 इंच पे निशान लगाते हुए उसे कट करके अलग कर लेना है। यहाँ पे हमें ज़िप को इंसर्ट करना है, सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद पलटते हुए इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा लेना है। तो ज़िप हमारी अटैच हो गई, अब हमें ये दूसरा जो कट किया था इसे इसके ऊपर रखना है, सिलाई लगानी है और उसके बाद आपको इसके ऊपर भी टॉप स्टिच लगा लेना है। एक तरफ हमारी ज़िप देखिए अच्छे से अटैच हो चुकी है, सेम ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी करना है। ज़िप को सेम मेथड से हम इस तरफ भी अटैच करेंगे। उसके लिए हमें सेम 2 इंच पे आपको यहाँ पे मार्क करना है और उसके बाद जैसे हमने ज़िप वहाँ पे लगाई थी उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी ज़िप को अटैच कर लेना है। तो ये हमारा हो गया रेडी। अब हमें क्या करना है, एक सेम पीस लेना है इसी के साइज़ का और उसके चारों तरफ और एक बीच में सिलाई लगानी है और एक सिलाई ऊपर की तरफ भी लगानी है। तो बीच में सिलाई लगा ली, चारों तरफ सिलाई लगा ली और एक सिलाई हमने यहाँ ऊपर की तरफ भी लगा ली है। इससे हमारी देखिए यहाँ पे 2 पॉकेट्स बन के रेडी हो गई हैं। एक पॉकेट हमारी यहाँ पे लग गई और एक पॉकेट हमारी यहाँ लग गई। तो 2 पॉकेट के साथ ये तो हमारा हो गया बिल्कुल रेडी। अब हमें क्या करना है, अब हम इसे थोड़ी सी शेप दे देते हैं साइडों से। फोल्ड करेंगे और कॉर्नर से हम इसे हल्की हल्की शेप दे देंगे, थोड़ा सा जस्ट हम कॉर्नर इसका राउंड में कट कर लेंगे। इससे हमें बाद में पट्टी लगाने में इजी होगा। अब इसे रखते हैं साइड में, अंदर के लिए बनाते हैं पॉकेट्स। तो राइस बैग मैंने ऑलरेडी स्टिच करके अटैच किया हुआ है। अब मैं आपको इसके मेज़रमेंट्स बता देती हूँ। तो ये है 12.5 इंच और ऐसे है 10 इंच, 12.5 इंच और 12 इंच। अब आपको क्या करना है, 12.5 इंच वाली जो साइड है लेंथ वाइज, वहाँ से आपको फोल्ड करते हुए इसमें आपको सिलाई लगानी है, यहाँ पे भी। तो सिलाई लगा के ये पीसेस हमारे रेडी हो गए। अब 2 मिनट इसे रखते हैं साइड में और बीच वाली पॉकेट बनाते हैं छोटी ज़िपर वाली। तो एक पीस प्लेन लिया है, एक पे राइस बैग लगाया है। इसके मेज़रमेंट बता देती हूँ आपको, 8, 9 इंच
और ऐसे मैंने लिया है 7 इंच। दो ज़िप ली हैं और ज़िप को साइड से पट्टी से फिनिश किया हुआ है। तो ज़िप मैंने जो ली थी वो मैंने ली थी अप्रॉक्सीमेट 7.5 इंच की, 8 इंच से थोड़ी सी छोटी, और साइडों से उसको फिनिश कर दिया है। उसके बाद ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है और आपको सिलाई लगानी है और यहाँ से भी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसे पलटना है और आपको टॉप स्टिच लगा लेना है। उसके बाद इस पीस के साथ रखना है ऊपर जो दूसरे वाला पीस था, और आपको दोनों तरफ इस पे देखिए सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद साइडों से आपको इसे बिठा लेना है, देखिए इस तरीके से, यहाँ ज़िप को हाफ़ करते हुए बीच में, और आपको इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेनी है लंबाई में दोनों तरफ। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है दोनों तरफ। अब जहाँ इसे हम रफ़ एजिस को फिनिश कर देंगे सिंपल पट्टी से, और जहाँ पे हमारी ज़िप लगी है वहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी पॉकेट रेडी। अब 2 मिनट इसे भी रखते हैं साइड में और ले लेते हैं मेन लाइनिंग वाला पीस, और इस पर हम ये हमारा इसके बराबर है जो स्टार्टिंग में हमने लिए थे 2 पीसेस। अब इसके ऊपर हमें रखना है ये हमने जो पॉकेट्स बनाई हैं, और हम पहले इन पॉकेट्स को इसके साथ अटैच करेंगे। तो दोनों तरफ साइडों से हमें इसे फ़ोल्ड करना है, यहाँ से देखिए आपको फ़ोल्ड कर लेना है। ये मैं इसलिए फ़ोल्ड कर रही हूँ ताकि अब जब साइड वाली पट्टी लगाएं तो वो लगानी इजी हो और आपका कपड़ा ज़्यादा थिक ना हो जाए। तो यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, और यहाँ से भी फ़ोल्ड करते हुए हम यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है, और एक सिलाई हमें बीच में भी लगानी है, वो हम बाद में लगाएंगे। हम इस पॉकेट को लगाएंगे अब। तो इस पॉकेट को आपको रखना है सेंटर में, और यहाँ पे बीच में पूरा हम इसके सिलाई लगा लेंगे। तो बिल्कुल सेंटर में रखते हुए हर तरफ से बराबर, और यहाँ से लेके पूरा लंबाई में इस पर सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारी पॉकेट डिवाइड हो जाएंगी सारी। तो टोटल हमारी इसमें 6 पॉकेट्स बन गई। 2 ये ज़िपर पॉकेट्स बन गई, 1 पॉकेट ये बन गई, 1 ये बन गई, 1 बड़ी पॉकेट ये और 1 बड़ी पॉकेट ये। अब हमें एक और स्ट्रिप बनानी है। तो 2.5 इंच x 26 इंच की स्ट्रिप ली है, उसे बीच में से कट कर लिया है। अब इसमें हमें लगानी है ज़िप। ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए आपको इस पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद पलटते हुए इसके ऊपर भी आपको टॉप स्टिच लगा लेना है। अब दूसरी तरफ से भी इसे पलटते हुए रखना है और आपको सिलाई लगा लेनी है। फिर इसे भी पलटते हुए इसके ऊपर आपको टॉप स्टिच लगा लेना है। तो ये हो गई हमारी पट्टी रेडी। अब मैं बताती हूँ आपको इसे जॉइन कैसे करना है। सबसे पहले हमें ये लेना है पॉकेट वाला पीस, उसके ऊपर रखना है ये वाला जो हमने बनाया था। दोनों पीसीस को आपको इस तरीके से रखना है, और बिल्कुल अच्छे से फ्लैट बिठाते हुए चारों तरफ आपको इसके सिलाई लगा लेनी है, और बीच में भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये हो गया हमारा देखिए रेडी। अब हमें क्या करना है, ये वाली पट्टी को हमें जॉइन करना है। जॉइन कैसे करना है, ये हमें सेंटर पॉइंट है हमारा, सेंटर पॉइंट पे ज़िप को रखना है, सिलाई लगा लीजिए, साइडों से थोड़ा थोड़ा छोड़ दीजिएगा 1/4 इंच। तो ये मैंने सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे हमें निशान लगाना है, पहले सेंटर पॉइंट का, फिर इसे सेंटर पॉइंट पे रखना है, और यहाँ पे दोनों तरफ आपको निशान लगा लेना है। तो ये हो गया हमारा पट्टी का निशान। अब हम इस पट्टी को लगाएंगे, देखिए इस तरीके से घुमाते हुए, गोल घुमाते हुए हमें लगाना है, और किस निशान तक, जहाँ तक हमने पहले वाला निशान लगाया है यहाँ तक आपको स्टिच करना है सिर्फ, और एक्स्ट्रा हम कट कर देंगे। तो चलिए सिलाई मशीन पे बताती हूँ आपको। तो पहले वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया सिलाई लगानी है, उस निशान तक ही आपको सिलाई लगानी है जो हमने अभी लगाया था। तो ये मैंने उसी निशान तक सिलाई लगाई, ये देखिए सिलाई लगाते हुए इस निशान तक, फर्स्ट वाले तक। अब हम एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे।
एक्स्ट्रा पट्टी को मैंने कट कर लिया, ये देखिए जो एक्स्ट्रा थी कट करके अलग कर लिया इस निशान तक। अब आपको इसे पलट लेना है यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से इसे पलट लीजिए और यहाँ पे हम लगा लेंगे सिलाई। तो देखिए मैंने लगा ली है सिलाई। अब इसे पलटते हुए इस स्टिच को हम पूरा पूरा सिल लेंगे, देखिए यहाँ तक दूसरे एंड तक। तो ये मैंने घुमा लिया और इस पे हम पूरे पे अब सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से ज़िप लगाएंगे तो बहुत ईजीली आपकी ये अटैच हो जाती है। तो ये हो गया हमारा रेडी। अब हम इसके लिए पाइपिंग कट कर लेते हैं। तो छोटे छोटे नोचेस लगा देती हूँ ताकि पाइपिंग लगाने में ईजी हो जाए। अब हम इस पे लगाएंगे पाइपिंग। तो ये मैंने कट कर लिया और जैसे नॉर्मल हम पाइपिंग लगाते हैं तो पूरे पे राउंड में हमें घुमाते हुए एक तरफ से शुरू करनी है और वापस घूमते हुए वहीं पे आ जाना है। तो पूरा घुमाते हुए हम इसे पाइपिंग से फिनिश कर लेंगे। तो देखिए पूरा मैंने पाइपिंग से फिनिश कर लिया और ये हमारा बिल्कुल फोल्डर बनके रेडी हो चुका है। दो बड़ी बड़ी पॉकेट्स बाहर और काफ़ी अच्छा वाइड स्पेस, बीच में बहुत सारी पॉकेट्स और बिल्कुल रेडी है। अब आप इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स रखना चाहते हैं रख सकते हैं, जैसे चेकबुक, पासबुक, कुछ भी रखना है। तो बहुत बड़ी डीप पॉकेट हमारी यहाँ पे आ गई, एक पॉकेट हमारी यहाँ पे आ गई। तो कुछ भी सामान रखिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं पासबुक, चेकबुक, और यहाँ पे भी आ गया सामान। उसके बाद हमारी दो छोटी पॉकेट्स यहाँ पे आ गई, तो कीज़ वगैरह कुछ भी आप छोटा मोटा सामान रखने के लिए इन दो छोटी पॉकेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से हमारा ये ज़िप लॉक हो जाता है, बंद हो गया तो कोई भी सामान गिरेगा नहीं आपका। और यहाँ पे भी दो बड़ी बड़ी पॉकेट्स। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।